वेलकम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे और चीजों को बड़े अच्छे से बढ़िया से समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क इन ए करंट कैरिंग कॉइल। तो बेसिकली ये हमारा कोई नया टॉपिक नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है हमारे प्रीवियस टॉपिक की, जिसमें हमने देखा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से हम करंट को गुजारते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो उसका इंटरेक्शन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब बच्चों, वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है और वो जब इंटरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से करता है तो उसकी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई मोशंस आ जाती हैं अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आज का जो हमारा केस है उसमें कुछ ऐसा ही होगा कि एक करंट कैरिंग कॉइल है कि जिसका एक्सिस भी मौजूद है, तो हम देखेंगे कि ये अपने एक्सिस पे रोटेट करने लग जाएगी जब जब इससे हम करंट का फ्लो करवाएंगे। बट बेसिक जो हमसे क्वेश्चन करता है और हमसे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस और भी पूछता है कि रोटेशन ऑफ कॉइल क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां पर मैक्सिमम होगी, कहां पर मिनिमम होगी, और टॉर्क आने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होंगे, टॉर्क इन चीजों पे डिपेंड करता होगा, एंड आखिर में एक फॉर्मूला और भी है जो समटाइम्स ट्रिकी क्वेश्चन हमें देकर फॉर्मूला हमसे उसका इस्तेमाल करवाता है, और वो फॉर्मूला मोस्टली बच्चों को याद नहीं रहता क्योंकि उसका इस्तेमाल काफी कम है। तो हमारा वो जो ट्रिक क्वेश्चन होता है या उससे जो रिलेटेड बात पूछता है वो गलत हो जाती है। तो आज के इस टॉपिक में बहुत सारी चीजों को हम समराइज करने वाले हैं रिलेटेड टू द टॉर्क इन ए करंट कैरिंग कॉइल। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों इस कॉइल से। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉइल के अंदर हमने एक करंट का फ्लो दिखा दिया, साथ में हमने साइड्स भी डिक्लेयर कर दी, साइड 1, 2, 3 एंड 4। डायरेक्शन ऑफ करंट्स को ऑब्जर्व कर लें, देखने के बाद साथ ही आप चले जाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिक्लेयर करेगा कि कौन सी साइड पे फोर्स लगनी है और किस तरफ फोर्स लगनी है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा, जिसको मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि जिसमें हमें अपने थंब, अपनी फोर फिंगर और मिडल फिंगर को राइट एंगल पर 90 डिग्री पे स्ट्रेच करना होता है और सबसे पहले करंट को अलाइन करना होता है ताकि हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इजिली फाइंड कर सकें। तो बच्चों यहां पर क्योंकि साइड वन पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो जरा अलाइन करके देखते हैं। सबसे पहले करंट को अलाइन करते हैं, तो करंट की फिंगर को ले जाएंगे करंट की डायरेक्शन में डाउनवर्ड। हम देखते हैं कि इत्तेफाक से ही जो हमारी फिंगर है, फोर फिंगर, ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, और हर बार ऐसा नहीं होगा, वेरिएशंस भी आ सकती हैं, ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं। सो ये एक इत्तेफाक है कि ये भी नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो मैं देख रहा हूं कि थंब कहां आ रहा है, आउटवर्ड। अब बच्चों अगर थंब आउटवर्ड आ रहा हो तो ये नोटेशंस मैं बता चुका हूं कि आउटवर्ड फोर्स लगती हो या कोई भी चीज आउट ऑफ द प्लेन आ रहा हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट। इसका मतलब यहां से फोर्स लगेगी आउट ऑफ द प्लेन। अब चलते हैं साइड टू पे और साथ साथ हम फोर्सेस भी लिखते चले जाते हैं। ये जो साइड वन है इस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी है, F1 = ILB, और एंगल था इनके दरमियान 90 डिग्री। फोर्स इज ILB। अभी देखते हैं जो साइड टू है उसमें करंट की डायरेक्शन लेफ्ट को है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास राइट को है। तो बच्चों यहां 90 डिग्री तो नहीं बन रहा, इसका मतलब यह हुआ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस साइड पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, और अगर ये रूल अप्लाई नहीं होता उसका मतलब यह है कि साइड पर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी। तो सिंपली हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं कि साइड टू क्योंकि पैरेलल है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई नहीं हो सकता तो यहां मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली जीरो लिख देंगे एंगल्स पे बात किए बगैर। अब चलते हैं साइड थ्री पे जिसके अंदर करंट जा रहा है अपवर्ड। तो फ्लेमिंग अगर लगाएं तो सबसे पहले आपको बताया कि करंट अलाइन करना है, तो सबसे पहले तो फिंगर्स अलाइन करने ऐसे FB and I, करंट अपवर्ड है। अब देखें ये फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन नहीं हुई, ये साउथ से नॉर्थ जा रही, तो हमें नॉर्थ से साउथ करना है, तो और कुछ नहीं करेंगे, अपने हाथ को हल्का से रोटेट करना है आपने, करंट स्टिल अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। तो इस वक्त हम कहां जा रहे हैं, इनटू द प्लेन। और बच्चों इनटू द प्लेन अगर हो तो ये नोटेशंस भी हम जानते हैं कि इसके लिए हम लगाते हैं क्रॉस, इसका मतलब फोर्स कहां लग रही है, इनटू द प्लेन। अगर मैं इस डॉट और क्रॉस को फॉलो करूं तो मुझे लगता है कि क्वायर कुछ ऐसे रोटेट करेगी। अगर मेरे हाथ के रोटेशन को आप ऑब्जर्व करें फ्रॉम द टॉप व्यू ऊपर से, तो ये मैं दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये जो रोटेशन है ये क्लॉक वाइज है क्योंकि घड़ी के बाहर है यहां, और ये रोटेट कुछ इस तरह से कर रही थी। क्वाइल जो हमारी क्वाइल है इसके अंदर आने वाली जो रोटेशंस हैं वो क्लॉकवाइज होंगी इस केस, इस सिचुएशन के साथ। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी बच्चों, वो ये है
कि मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो पहले ही दिखा रखी है, टॉर्क की डायरेक्शन पहले ही लगा रखी थी, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि बच्चों ये बात बताना बहुत जरूरी है आपको कि बाज औकात हमें लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किए बगैर भी आंसर मिल रहा होता है, और इस ट्रिक का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, जब टाइम हमारे पास कम होगा, या कोई एमसीक्यू पूछेगा, तो आप ऐसा इसको इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज कंप्लीट रूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने आंसर्स को जस्टिफाई करेंगे। आपने नोटिस ये करना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, तो मैं ये देख रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो कंफर्म हमारी जो कॉइल है वो भी रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दोनों अलाइंड है, करंट क्लॉकवाइज तो रोटेशंस भी क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर मैं करंट करता हूं एंटी क्लॉकवाइज तो यही कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क शो करेगी, और इस चीज को आप खुद भी अपने पेपर वर्क पे वेरीफाई कर लें और कर सकते हैं, इसको आपने एक बार चेक करना है। अभी हम चलते हैं साइड थ्री की फोर्स को, यहां लिख लेते हैं कि साइड थ्री के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो कितनी है, क्योंकि बच्चों एंगल तो स्टिल 90 रहा उसमें भी, सो आई एल बी साइन 90, तो फोर्स मैक्सिमम आई एल बी। फिर साइड फोर पे है तो करंट की डायरेक्शन है क्लॉक की डायरेक्शन है राइट साइड पे, और मैग्नेटिक फील्ड भी राइट पे जा रही है, इसका मतलब दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ एंगल जीरो है। बट हमें कितना चाहिए था, हमें चाहिए था 90 डिग्री, इसका मतलब यहां इस साइड पर भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब साइड फोर्स पे फोर पे भी डायरेक्टली आप लिख दें फोर्स एफ फोर इज जीरो, क्योंकि ये भी बच्चों जो साइड है ये 90 डिग्री है, राइट एंगल नहीं बना पाई, इसलिए यहां पर भी फोर्स जो है वो जीरो होगी। अब हम देखते हैं कि इस पूरी रोटेशंस के अंदर हमने रोटेशन भी निकाल ली, फोर्सेस भी निकाल ली, हम देखते हैं कि इस पूरे केस के अंदर चार साइड्स पे से दो पे फोर्स लग रही है, और दो फोर्सेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कपल। अब इन कपल फोर्सेस की मौजूदगी में जो टॉर्क आता है ये हमें मालूम है कि नॉर्मल टॉर्क से वो डबल होता है, क्योंकि अब ये कपल की मौजूदगी आ चुकी है, तो कपल की मौजूदगी में आता हुआ जो टॉर्क होता है वो डबल होता है। तो दो टॉर्क लिखेंगे, पहला टॉर्क बच्चों हमारे पास आ रहा है फोर्स एफ वन की वजह से, एफ वन इंटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है, हमारे पास जो बेस है उसका जो ये मिड पॉइंट है ये ओ, अगर यहां मैं शो कर दू मिड पॉइंट, तो इस मिड से दूसरी तरफ का जो पॉइंट है ना वो मोमेंट आर्म होता है। तो विड्थ क्योंकि मैंने शो कर रखी है बी, लेंथ शो कर रखी है कॉइल की ए, तो जो विड्थ है इसका, इसको पूरी विड्थ को हम कपल आर्म भी कहते हैं बेसिकली। इस कपल आर्म का अगर हाफ करें तो ये बनेगा इसका मोमेंट आर्म बी बाय टू, और दूसरा जो फोर्स हमारे पास लग रही है वो है एफ थ्री, और इसके लिए इस साइड पे जो मोमेंट आर्म होगा वो होगा बी बाय टू, दूसरी तरफ भी मोमेंट आर्म हमारे पास बी बाय टू आ रहा है बच्चों। अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें, और कंबाइन करने से पहले एक चीज को जरा अपने जहनों में लेके आए कि कपल उन पेयर ऑफ फोर्सेस को कहते हैं जो इक्वल ऑपोजिट हो और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो फोर्सेस बराबर है, एफ वन बराबर है एफ थ्री के, तो सिंपली मैं एफ लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां क्या होगा, अगर मैं इससे कंप्लीट टॉर्क निकालूं तो एफ दोनों का अगर सम करें तो शॉर्टली लिखूंगा टू एफ मोमेंट आर्म बी बाय टू, ये टू टू से अगर कैंसिल कर दें तो मेरे पास टॉर्क बनता है एफ बी, और जो फोर्स है उसके फॉर्मूला को यहां पर अगर हम पुट कर लें, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो आई एल बी सिंपल एक ही बार अप्लाई किया जाएगा फॉर्मूला, और ये आ गया साथ में मोमेंट आर्म और कपल आर्म बी। अब बच्चों इस फॉर्मूला में ये बी क्या है, ये हमारे पास आ गई विड्थ ऑफ द कॉइल जिसे हमने कपल आर्म भी कहा हुआ है, ये लेंथ है और लेंथ ऑफ द कॉइल को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, तो मैं इसको लिख रहा हूं ए, और बी साथ में रहेगा और स्मॉल बी अलग। अब ये जो दोनों ए बी हैं, एक शो कर रहा है लेंथ को और ये बी शो कर रहा है विड्थ को, तो अगर मैं कॉइल के इन पैरामीटर्स को ए बी को इकट्ठा कर लूं तो बच्चों मुझे ये नजर आता है कि ये हमारे पास जो एरिया ऑफ द कॉइल है, तो मैं इस चीज को रिप्लेस कर सकता हूं आई बी और कैपिटल ए, यानी एरिया ऑफ ए। अब बच्चों ये तो हमारे पास आ चुका है सिंगल कॉइल का टॉर्क और उसकी डिपेंडेंस, अगर मैं यहां पर एन नंबर ऑफ टॉर्क्स को कंसीडर करता हूं तो इस फॉर्मूला को कैसा लिखा जा सकता है, टॉ इक्वल्स टू एन आई बी ए। सो ये हमारे पास टॉर्क है फॉर द एन नंबर ऑफ कॉइल्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रोटेट करवा रहे हैं। अब इस फॉर्मूला के अंदर थोड़ा सा हम चेंज लेकर आएंगे, थोड़ी सी कुछ वेरिएशंस हैं, ये तो हमने निकाल दिया कि मैक्सिमम हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो मैक्सिमम टॉर्क है उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, बट लाजमी तो नहीं है बच्चों
ये जो क्वाइल है उसका प्लेन हमेशा एक ही जैसा रहे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक ही तरह का एंगल बन रहा हो, क्योंकि रोटेशंस हैं। तो रोटेशंस के दौरान हमारे पास एंगल्स में कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। तो प्लेन ऑफ दी क्वाइल को जरा यहां पर जज करेंगे। हमने इसी डायग्राम को दोबारा से यहां पर शो कर दिया है। इसे हम कहते हैं टॉप व्यू ऑफ दी क्वाइल, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये क्वाइल की विड्थ हमने शो कर दी, जिसे हमने कपल आर्म भी कहा हुआ है। अगर मैं मोमेंट आर्म की बात करूं, यानी इस मिड पॉइंट ओ से यहां देखें तो बी बाय टू, इस तरफ देखें तो ये भी बी बाय टू। इन दोनों मोमेंट आर्म्स और मोमेंट आर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब प्लेन ऑफ द क्वाइल क्योंकि चेंज हो रहा है बार बार, तो ये देखने के लिए कि हमारे पास जो टॉर्क है वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला जस्ट लिखा हमने मैक्सिमम टॉर्क के लिए। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, इस पूरे के पूरे क्वाइल के मोमेंट आर्म के इस वेक्टर को रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, क्योंकि मोमेंट आर्म हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक कंपोनेंट तो इस मोमेंट आर्म का निकलता है इस तरफ, मैं इसको शो कर देता हूं विद रेड कलर। ये आ गया एक कंपोनेंट जो कि एक्स कंपोनेंट को होगा इसको शो करेगा, और एक कंपोनेंट अगर मैं दिखाऊं तो एक कंपोनेंट कहीं इस तरफ चला जाएगा जो कि वाई को शो कर रहा है। मैं इस साइड वाले कंपोनेंट को लिख सकता हूं, ये हमारे पास है बी बाय टू, यानी अगर उसकी हम बात कर लें तो बी बाय टू ये हमारे पास है कॉज और अल्फा, यहां का एंगल हम अल्फा मेंशन कर रहे हैं। और अगर इसको मैं मेंशन करूं वाई वाले को तो बनेगा बी बाय टू साइन अल्फा। अब बच्चों यहां पर मोमेंट आर्म सारी पुटिंग हम कर चुके हैं, बेसिकली हमने अभी देखना है कि कंपोनेंट यूज कौन सा होना है, क्योंकि यहां पर हम आ चुके हैं टोटल बी पे। और अगर मैं मोमेंट आर्म की जगह कपल आर्म देखूं तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर पूरे को मैं कंसिडर करूं तो यहां पर उसका भी कंपोनेंट वही निकलेगा जो मोमेंट आर्म का निकल रहा है। तो जस्ट एक चीज हम यहां पर रिप्लेस करेंगे, और वो क्या है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में हम बी को रिप्लेस करेंगे बी कॉज अल्फा से, क्योंकि यहां पर अगर हम बी कपल आर्म लेते हैं तो कपल आर्म का जो हमारे पास कंपोनेंट बनेगा बी कॉज अल्फा। अगर हम यहां से चेंज लेके आते हैं, हमारे पास बी बाय टू, बी बाय टू ये दो हमने पुट किए हुए थे, तो ये बी बाय टू का हमारे पास यहां पर यूज हो जाना था कॉज अल्फा बी बाय टू के साथ। तो यहां मैं कपल आर्म को अगर यूज करते हुए बात करूं, ये पूरा का पूरा कपल आर्म है, इसके कंपोनेंट को अगर रिजोल्व करें तो ये बी कॉज अल्फा, और वाई वाले साइड में जाए तो ऊपर बी साइन अल्फा बनेगा। देखना है कि कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ, क्योंकि मैं कॉज लिख चुका हूं तो ये दिखा भी देता हूं आपको। हमने देखना है कि क्वाइल किस प्लेन को फॉलो कर रही है अपनी मूवमेंट के दौरान। तो अगर मैं इस मूवमेंट की इस एंड को देखूं तो ये इस कंपोनेंट को इसको फॉलो कर रहे हैं, ऊपर से देखूं तो यही कंपोनेंट बन रहे हैं, यानी एक्स कंपोनेंट ही यूज हो रहा है। वाई कंपोनेंट में इसकी मोशंस को हम देख रहे हैं कि नहीं आ रही है इस सिचुएशन के दौरान। सो कॉज अल्फा आर्म कंपोनेंट यूज कर रहे हैं इस कपल आर्म के लिए। तो ये फॉर्मूला अगर रीराइट किया जाए तो इस बी की जगह लिखेंगे बच्चों आई बी ए अलग और बी कॉज अल्फा, और ए बी तो वैसे ही एरिया बन जाता है, तो हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे टॉ इक्वल्स टू आई बी ए कॉज अल्फा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहां असल में जो टॉर्क है बच्चों वो डिपेंड कर रहा है कॉज ट्रिग्नोमेट्री पे, लेकिन जब बच्चों से सवाल ऐसा किया जाता है तो बच्चों के जहन में ये शुरू वाला फॉर्मूला आ जाता है, उन्हें लगता है कि टॉर्क की डिपेंडेंस भी जो है वो एंड पर साइन ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेट कर रही है, तो ऐसा नहीं है। असल में टॉर्क जहां डिपेंड करता है फ्लो ऑफ करंट पे, जितना ज्यादा करंट करेंगे टॉर्क बढ़ता जाएगा, जितनी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एक्सटर्नल बढ़ाएंगे आपके पास टॉर्क बढ़ेगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ेगा, और कॉज अल्फा जितना आपके पास प्लेन एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्मल है वो पैरेलल होगा। जैसे कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब कभी भी एरिया का जो नॉर्मल होता है वो फील्ड से हमारे पास पैरेलल होगा, यानी कॉज जीरो होगा, तो हमारे पास क्या होगा उस सिचुएशन में, जो दोनों के दरमियान आने वाला जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉज का आंसर जीरो डिग्री से मैक्सिमम होता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि अगर नॉर्मल टू एरिया और बी के दरमियान एंगल जीरो कर दिया जाए, जीरो डिग्री हो, तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम। तो बच्चों इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि कॉज अल्फा कहां से आया, हमने कैसे रिजॉल्व किया। यहां रिजॉल्व करके हम मोमेंट आर्म की वजह से भी लेके आ सकते थे, हम इसको कपल आर्म के कंपोनेंट के तौर पर रिजॉल्व करके डायरेक्ट ऐसे पुटिंग कर सकते हैं। सो वी हैव मेनी वेज टू एडजस्ट दिस फॉर्मूला। सो होप सो इस कॉज अल्फा के आने की वजह आपको समझ में आ चुकी होगी, और उम्मीद है कि जब कभी आपसे अब इस तरह का कोई सवाल करेगा तो आप कॉस ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर को इजीली जस्टिफाई
कर लेंगे।